मिथिलांचल का एकमात्र टीवी चैनल मिथिला मच न्यूज अब यूट्यूब पर भी। आप यूट्यूब पर मिथिला मच न्यूज सब्सक्राइब कर न्यूज के लिए रहे अपडेट। इसके अलावा पोर्टल पर www.mithilamachnews.com पर भी दिन भर की खबरें ब्रेकिंग के साथ। हाँ, ताकि दोबारा कोई ऐसा गलती ना करे। हाँ, इस चीज पे ध्यान रखते हुए बंद चले हो घर में, कोई कतर नहीं चले, पुलकी बनल है, पुलकी में ले जाके कौन काम करके निकल कर। नमस्कार, मिथिला मच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूँ मनोज और बता दें, दरभंगा की सबसे बड़ी ब्रेकिंग खबर अभी जो सामने आ रही है वो काफी दिल दहलाने वाली और दर्दनाक भी है। हम बता दें, दरभंगा के बेता थाना क्षेत्र के भटवा पोखर के पास अभी 3 वर्ष की बच्ची के साथ बलात्कार की सूचना आई है। बता दें, कहा जाता है कि बेता थाना क्षेत्र के भटवा पोखर के पास 3 वर्ष की बच्ची जो अपने आंगन में खेल रही थी, आरोपी उसे अपने गोद में उठाकर अपने घर ले गया और उसके साथ बलात्कार की। रोती चीखती जब बच्ची की आवाज परिजनों को मिली तो मोहल्ले वासियों ने उस बच्ची को उसे छुड़ाया, लेकिन अभियुक्त वहां से फरार हो चुका था। बाद में अभियुक्त को लोगों ने पकड़ कर बेता थाने के हवाले कर दिया। पुलिस उस मामले की जाँच कर रही है। देखिए क्या रिपोर्ट है। दरभंगा में कभी कभी इस तरह की घटना हो जाती है जो कलंक साबित होती है, और हमारे समाज में ऐसे अपराधी और मानसिक रूप से विकृत व्यक्ति हैं जो अपनी हवस का शिकार 3 साल तक की बच्ची के साथ करते हुए समाज को कलंकित कर देते हैं। जबकि इस पर पास्को नाम के कड़े कानून की भी प्रावधान की गई है, फिर भी समाज में इस तरह की घटना एक दुर्भाग्य का विषय है। आज इसी तरह बेता थाना क्षेत्र अंतर्गत भटवा पोखर के पास एक 3 साल की बच्ची को एक 26 वर्षीय आरोपी आंगन से गोद में लेकर खिलाते हुए अपने घर गया और बच्ची के साथ बलात्कार किया, जैसा कि परिजनों का आरोप है। क्या हुआ? 3 साल का बच्चा के गलत काम कर दिया। अमन कुमार, हम सब पहुँचे, भाग रहा था, उसको झपड़े पकड़े, 3-4 आदमी पकड़ के लाए थाना पर, पुलिस के हवाले कर दिए। अब ये करना आप कीजिए, यहाँ कानून करेगा। तो लगता है ये जघन्य घटना है, इसे होना। उसको मौत का सजा देना चाहिए, कुछ का सजा नहीं। आज छोटा बच्चा के साथ किसी और के साथ होना जाएगा, उसको चावटी मिल जाएगा, छोड़ दीजिएगा उसको। देखिए देखिए करेगा कि नहीं करेगा, दूसरा लड़का भी कर सकता है। जवान लड़की रहता है तो बात समझते हैं, बच्चा 3.5 साल का भगवान का रूप होता है। कैसे ले गया बच्चा? बरंदा पर खेल रहा था, फुसला के ले गया, उसका रूम खाली था, रूम में खिलाने के लिए वो अपना रूम में गया। उसकी माँ खोजने लगी, बच्चा कान रहा था रूम में, गया तो स्पॉट पर देखा लड़का भाग गया, बच्चा को पकड़ के लाया, भागा लड़का, भागा। उसके बाद हम सब पीछे खोज रहे थे, नहीं मिला तो जंगल में नुका हुआ था, उसको पकड़ के हम सब मारते हुए थाना पर लेके आए। पहले भी लड़का कुछ इस तरह का गलत काम किया हुआ क्या? तो बता दें, सबसे बड़ी खबर अभी दरभंगा में ऐसी दर्दनाक और कलंकित करने वाली घटना। हालांकि आरोपी अमन कुमार जो 26 वर्ष का है उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और उसे पूछताछ चल रही है, लेकिन सवाल ये है कि आज हमारे समाज में इस मनोवृत्ति के व्यक्ति जो जिनका मानसिक सोच विकृत हो चुका है और हमारे समाज को कलंकित करता है। हालांकि सरकार और कानून ने भी पास्को ऐसे ही अपराधियों पर लगाना प्रारंभ किया। कहा जाता है कि बेता थाना क्षेत्र के 26 वर्षीय अमन कुमार जो अपने ही पड़ोसी के 3 साल की बच्ची को गोद में उठाकर खिलाने के बहाने अपने घर के अंदर रूम बंद कर उसके साथ बलात्कार किया। जब बच्ची चिल्लाने लगी तब आसपास के लोग और परिजन उसके घर पहुंचे और बच्ची को बाहर निकाला। बच्ची मूर्छित अवस्था में थी जिसे परिजनों ने उठाकर डॉक्टर के यहाँ इलाज के लिए लाई। इसी बीच में आरोपी घर से भाग कर फरार हो गया। परिजन बच्ची के साथ बेता थाने आकर शिकायत दर्ज की। माफ नहीं करना चाहिए था, हाँ, ताकि दोबारा कोई ऐसा गलती ना करे। हाँ, इस चीज़ पे ध्यान रखते हुए। हुआ क्या था ये बताइए। 3 साल के बच्ची के साथ गलत कर दिया, खिलाते खिलाते बच्चे के साथ ऐसे में मान लिए, कोई अपने बच्चे को कैसे दूसरे के हाथ में देगा? कोई बच्चे को खिलाने के लिए, टहलाने के लिए, बुलाने के लिए कैसे लोग उस पे छोड़ेगा? इसलिए ऐसा नहीं हो दोबारा। हाँ, इसलिए उसको सजा मिलना चाहिए, मौत होना चाहिए, उसको जीने का कोई हक अधिकार नहीं। गुस्सा है लोगों में, मोहल्ले का लोग है। क्या चाहते, क्या क्या होना चाहिए बताइए? उसको सजा होना चाहिए, मौत का सजा होना चाहिए, ताकि डर देख करके दूसरा न करे। बच्चा ये मानसिकता जो है, खासतौर से नए युवक जो आ रहे हैं उसमें इस तरह का देखा जा रहा है, तो मौत का ही सजा देना चाहिए।
खासकर पीड़ित के परिजन और मोहल्ले वासियों ने उस युवक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है और परिजनों का कहना है कि ऐसी व्यक्ति को मौत की सजा दी। ये है दरभंगा के बेता छाना क्षेत्र की घटना। रतलाम मंसूरी की यह ब्रेकिंग खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे अपराधियों पर रोक लगे, ऐसे अपराधियों को कड़ी से कड़ी कानून सजा दे, ताकि समाज में इस तरह के व्यक्ति की जो मानसिक सोच है वो पूरी तरह समाप्त हो जाए। बताते चले कि बच्चे के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर आसपास के लोग आरोपी अमन कुमार को खदेड़ कर पकड़ कर बेता थाने के हवाले कर दिया। पुलिस इस मामले की छानबीन कर रही है कि लेकिन लोगों का आरोप था कि इस तरह के आरोपी जो घृणित कार्य करते हैं उनको मौत की सजा मिले। परिजन न्याय की गुहार लगाते बेता थाना पहुंचे। बेता थाना प्रभारी मामले की जांच कर रही है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन इस तरह की समस्या निश्चित तौर पर हमारे समाज के लिए कलंक साबित है और ऐसे आरोपी को निश्चित तौर पर कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। सौरभ कुमार, मिथिला मंच न्यूज़, दरभंगा। ले गए तो अपना गंगा में ले गए, एगो घर बंद छे, वो घर में कोई कतौ नहीं छे, पुलकी बनल है, पुलकी में ले जाके कौन काम कलके नहीं कलके। क्या नाम आपका? देवी। लड़की के कौन है आप? करम बोर्ड खेलता था, करम बोर्ड में बच्चा दोनों भाई बहन खेलते थे, वो करम बोर्ड में बच्चा का किया उस बच्चा का गोदी में खेलते 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 चुमा चाटी लेते लेते घुमा के उसको केला बारी से अपना बारी में घर में ले गया, घर में लेकर इसको बलात्कार किया। चार साल की बच्ची? चार साल के बच्चा है। अच्छा, आपका ग्रामीण था? ग्रामीण था ना। क्या नाम हुआ आपका? सीता देवी। कौन है ये जो खिलाने के लिए ले गया, ये ही कर्म करेगा? ये सब अन्याय है। क्या हुआ? तीन साल का बच्चा के साथ रेप किया, गलत है। एक छत के नीचे सब रहते हैं, सबको देखना चाहिए और जाके वहाँ चेक करना चाहिए जो कौन कैसा है। कौन लड़का था वो जो रेप किया? ये अमन है, अमन राम है। अच्छा, आपका भी वही घर है? हाँ, हम ऊपर में रहते हैं, हम देखे उसको निकले हुए, लेकिन हम लोग का तो नहीं जानकारी था। एक एक ही सब गया है, तब देखे हैं, तब हम लोग आए हैं इधर। अब क्या चाहते हैं आप लोग? मौत होना चाहिए उसको। क्या नाम हुआ? हाँ, मंजू देवी। देखते रहे मिथिला मंच न्यूज़, यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर हर घंटे अपडेट ब्रेकिंग के साथ। धन्यवाद।